मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक औरत के साथ कुछ लड़कियां गिरफ्तार। ये देखिए मैडम जी, आपका परिवार तो पूरे मुजफ्फरपुर में फेमस हो गया, फ्रंट पेज पर खबर छपा है। अब तो जमानत के बाद धंधा और जोर पकड़ेगा। ये सब क्या लिखा है मिश्रा जी? रंजू ये सब कुछ करके अपना घर चलाती है और वो अपनी बेटियों से भी ये करवाती है। गुड्डू जी, सॉरी सोना बाबू, रंजू और उसकी बेटियों को आपकी नजरों में गिराने का इससे अच्छा तरीका और कोई था भी नहीं ना। सच सच बताओ, तुमने सिर्फ हमारी फोटोग्राफ्स क्यों ली थी? किसके कहने पे किया तुमने ये सब? तोते की तरह चल बोलना शुरू कर, नहीं तो यहीं से दोबारा धो देंगे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, उन दो लड़कों ने मुझे पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। कौन दो लड़के, नाम बता। उनके नाम शायद लक्की विक्की थे। ये लक्की विक्की कौन है? कुट्टू मिश्रा के बेटे। हम लड़की और लड़कों में भेदभाव नहीं करते, वैसे हमारे दो बेटे हैं लक्की और विक्की। उन लोगों ने हमें बताया था कि उस घर में रेड पड़ने वाली है। मेरा काम सिर्फ इतना था, कैमरे से फोटो निकाल के अखबार में छापना। इसके अलावा मेरा कोई इरादा कुछ नहीं था। हवलदार, लेके जाए इस खबरची को। ले जा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस। थैंक यू विशेष, आज आपने हम सबकी बहुत बड़ी मदद की है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको पता चल गया है ना कि हम पर गलत इल्जाम लगाया है। एक बात समझ में नहीं आती है, लकी बिकी को कैसे पता चला किस किस भगत पे और कौन से घर में छापा पड़ने वाला है? इंस्पेक्टर साहब, आपने किसके कहने पे छापा मारा? जी मैडम जी। इंस्पेक्टर साहब, आपको अपना लिफाफा मिल गया? हाँ जी मैडम जी, कीमत मिल गया है। बताइए कहाँ मेहनत करना है? ज्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, आपका रेगुलर काम करना है, एक रेड मारनी है। एड्रेस हम आपको भिजवा देंगे। ओके मैडम जी, आपका काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर, ये वो एड्रेस है। अरे ये इलाका में तो वैसे भी रेड मारते रहते हैं मैडम जी, सरकारी खर्चा पर। आज प्राइवेट खर्चा पर मार लेंगे, आपका काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब बताइए, किसने कहा था आपको वहां रेड मारने के लिए? अब हमारे बहुत सारे खबरी होते हैं, उन्हीं में से किसी ने कहा था। अब हम ऐसे नाम तो नहीं बता सकते ना अपने खबरियों का। सोचिए इंस्पेक्टर सर, उनका नाम भी लकी विकी होगा। और माँ, उन्होंने ये सब कुछ गुड्डू मिश्रा के कहने पे किया होगा। हमारा गुड्डू चाहे जैसा भी हो, पर वो नीच काम नहीं कर सकता। दादी, अब भी आपकी आंखों से गुड्डू मिश्रा का चश्मा नहीं उतरा। प्लीज दादी, आप समझने की कोशिश कीजिए, गुड्डू मिश्रा के खिलाफ सारे सबूत इशारा कर रहा है। दादी, वो आपके बेटे हैं ना, शायद इसलिए आप सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। लेकिन दादी, बोल बोल। मैडम जी, अखबार के खबर का पूरे मुजफ्फरपुर में चर्चा है। सारी हेकड़ी निकाल दी आपने उस रंजू मिश्रा की, अब वो और उसकी बेटियां किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। फ्रंट पेज में छपी फेक न्यूज तो आपने पढ़ ली इंस्पेक्टर साहब, लेकिन खेल सेक्शन में छपी असली न्यूज आप पढ़ना भूल गए। ये लड़की इस जिले की कुश्ती प्रतियोगिता की नई चैंपियन है, बुलबुल रंजू मिश्रा। ये वही लड़की है जिसको आपने कल रात से लॉकअप पे बंद करके रखा है। और अपनी बेटिया की जीत की खुशी भी नहीं मना पाए।
खबर पढ़ के मजा लेता है। ये देखो देखो इस पर ना जामाई बाबू का फोटो उस लड़की के साथ छपा है। हमको तो लगता है कि तीसरा पेज का खबर ना पहला पेज पर बारी पड़ गया। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, आजकल दुनिया को सिर्फ वही दिखता है जो सामने होता है, और सामने के पेज पे है रंजू और उसकी बेटियां। तीसरे पेज पे मेडल की खबर में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए मसाला। आज मुजफ्फरपुर में सिर्फ रंजू और उसकी बेटियों की बदनामी होगी। इंस्पेक्टर साहब, अब आपके पास सारे सबूत हैं, तो प्लीज इन सबको छोड़ दीजिए। ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, FIR हो चुका है, जमानत तो करवाना पड़ेगा ना। जमानत के कागज हमारे पास है इंस्पेक्टर साहब, लाइए वकील साहब। ये लीजिए पैसा, छोड़ दीजिए भौजी बच्चों को। हवलदार, इन सब की जो भी चीजें मोबाइल वगैरह सब इनको वापस कर दो। वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है भुवन, तुम्हें ठहराया था ना उस घटिया जगह में। सारी रात हमने नरक की तरह काटी है, उसकी भरपाई कैसे करोगे? हाँ हम कभी नहीं सोचे थे कि हमारी वजह से इन लोगों का सिचुएशन इतना खराब हो जाएगा कि सारी रात जेल में बितानी पड़ेगी और बदनामी ऊपर से। बोलो अम्मा, हमको माफ कर दो, हमको सच में नहीं पता था कि वो बस्ती आप लोग के लायक नहीं है, हम तो बस रंजू भौजी की मदद कर रहे थे। दादी, भुवन काका को इस तरह से डांट के आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब वो गुड्डू मिश्रा की साजिश है। जब कुश्ती कॉम्पिटिशन में वो हमारा ईमान खरीद नहीं पाए तो वो इस तरह से हमें बदनाम करके हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं। हमने गुड्डू मिश्रा जैसा घटिया आदमी आज तक नहीं देखा। बुलबुलिया, जुबान पर लगाम दो। अरे जो बुमराही पके जा रही हो। दादी अब हमारी जुबान पे तो लगाम लगा लेंगी, लेकिन गुड्डू मिश्रा की हरकतों पे लगाम कौन लगाएगा? अब तो सब कुछ साफ हो गया है दादी, वो हमारी माँ से बदला ले रहे हैं। हमें बर्बाद करके उनका जी नहीं भरा तो वो इस तरह से हमें बदनाम करने पर उतर आए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि रंजू मिश्रा की जो चार बेटियां हैं वो सिर्फ उनकी ढाल नहीं उनकी तलवार भी है, और हम गुड्डू मिश्रा को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। दादी बुलबुलिया बेटा, शायद कौनो कंफ्यूजन हुआ है, गुड्डू भी ऐसा नहीं कर सकते। भुवन काका, एक बात तो आज क्लियर हो गई है, हमारे साथ कल रात से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है ना उसमें लक्की विक्की का हाथ है, और वो दोनों गुड्डू मिश्रा के ही बेटे हैं। पता नहीं ये गुड्डू मिश्रा कैसा इंसान है, जब हम सबको उनकी जरूरत थी तो अकेले भाग गए थे हम सबको छोड़ के, और अब हम लोग इज्जत से जीना चाहते हैं तो हमें जीने भी नहीं दे रहे। बहुत हो गया, बस करो तुम सब। नहीं माँ, अभी बहुत नहीं हुआ है, अभी एक और चीज बाकी है। ये परफेक्ट फैमिली फोटो की तरह दिखने वाली तस्वीर आज के बाद कभी नहीं खींची जाएगी, क्योंकि अब तक वो बददिमाग रंजू अपनी बदतमीज लड़कियों के साथ इस शहर को छोड़ने की तैयारी कर रही होगी। इस तस्वीर में माँ बेटी के साथ एक बहुत ही बेहुदा इंसान भी है, जिसकी परछाई भी हम अपने परिवार पे पड़ने नहीं देंगे।
चलिए। काकी अब चिंता मत कीजिए, कल हम ऐसी न्यूज़पेपर में आप सबकी फोटो के साथ माफीनामा छपवा दें और उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए जो आपके मन में गलतफहमी थी वो दूर हो गई होगी, और गुस्सा भी। गलतफहमी भले ही दूर हो गई हो लेकिन गुस्सा भी कम नहीं हुआ है, और ये गुस्सा हम उन लकी और विकी पर निकालेंगे, नहीं तो हम कॉलेज में। बुलबुल, अभी तुम लोग कॉलेज नहीं जाओगे। भौजी, ये जो छीछलेदार हुआ है ना, ये सब हमारी वजह से हुआ है, ना ही हम घर ढूंढने में जल्दबाजी करते और ना ही ये मुसीबत होता। भुवन काका, भले इस मुसीबत में आज हम आपकी वजह से हैं, लेकिन उस मुसीबत की जड़ वो गुड्डू मिश्रा है, और ये बात हम सबको पता चल गई है। और वो कहते हैं ना, बीमारी का इलाज आसान हो जाता है जब बीमारी के बारे में पता चल जाए, और हमारी बीमारी है वो गुड्डू मिश्रा। बुलबुल, ये सारी बातें हम लोग घर पे कर सकते हैं ना, अभी चलो घर चलते हैं। आप ठीक तो हैं? ये तो हमारी स्कूटी है ना, ये यहाँ कैसे? हाँ वो क्या है ना, ये हमने खरीद ली थी, हमने ना आपका एड देखा था OTX पे, तो अगर हम खुद स्कूटी लेने आते तो आप मना कर देती, हम अपनी तरफ से मदद करते तो आप मना कर देती, तो इसीलिए हमने अपनी जगह पे अपने दोस्त अमर को भेज दिया था। आपकी सोच के लिए थैंक यू, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप चाहें तो आप ये स्कूटी रख सकती हैं, हमारे पास तो बाइक है, हम स्कूटी का क्या करेंगे। अच्छा, तो आपने खरीदी है दीदी की स्कूटी? आपने ये स्कूटी खरीदी है, अब हमें वापस नहीं चाहिए, वैसे भी आज आपने जो हम सबके लिए किया है वो काफी है। काकी, आप समझाइए ना शालू जी को, ये स्कूटी रख लें, हम क्या करेंगे स्कूटी का। बेटा, किसी की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका एहसान नहीं लेना चाहिए। तुमने ये स्कूटी खरीदा, वो तुमने हमने मदद किया, पर अब हम यही तुमसे वापस लेकर तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहते हैं। वर्मा जी, हम तो आपको मजबूर समझते थे, लेकिन आप तो बेईमान निकली, हमारा पैसा देना दूर, अब घर छोड़कर ही चली गई। ऐसी बात नहीं है वर्मा जी, हम समय पे घर का भाड़ा नहीं दे पाए, इसीलिए किसी और को सुनाइएगा। हमको तो ये बताइए कि हमारा पैसा आप कब दे रही हैं? पूरे 2.5 लाख रुपए निकलता है आपके ऊपर, और आपने सिर्फ 25,000 दे के बैठ गई है। देखिए, अब हमें आपके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हमें हमारा पैसा 2 घंटे में चाहिए। वर्मा जी, 2 घंटे में हम कहाँ से इतना इंतजाम करेंगे, आप खुद ही सोचिए, आप थोड़ा वक्त तो दीजिए, हम कर देंगे। वर्मा जी, मैडम जी, हम आपको सवेरे सवेरे ही याद कर रहे थे। अच्छा, तभी हमें हिचकियाँ आ रही थी, तो हमने सोचा चलो हम ही फोन कर लेते हैं, शायद हमें आराम मिल जाए। आए हो दादा, हम लोगों के बाद विचार कितने मिलते हैं ना। हाँ वो तो है, वैसे आपको याद है ना कि आपको क्या करना है? अरे सब कुछ याद है, कैसे याद नहीं होगा। आप देखना, इतना सॉलिड परफॉर्मेंस देंगे ना कि आपकी सौतन और उसकी बेटियां चकरा खा के गिर जाएंगी। गुड, हमें तुमसे ऐसे ही जोरदार तमाशे की उम्मीद है। थैंक यू मैडम जी, रखते हैं। हाँ, अरे और इसका इसका, रुको रुको रुको, खाली खाली कहाँ जा रहे हो, हमें भी बैठा लो। बैठिए। हाँ चलो। हाँ
मिश्रा जी, आपने उन सब लोगों की जमानत करवा दी क्या? चलो, करवा दी तो अच्छी बात है, उन सब के साथ हमारी अम्मा जी भी तो है। हाँ ललिता जी, अब तक तो जमानत होगी होगी। चलो अच्छा है, हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि वो लोग हमारी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करते। पहले हमारे बच्चों के साथ मारपीट की, फिर कुश्ती कंपटीशन में हमें नीचा दिखाया, और अब ये फजीहत। देखिए मिश्रा जी, उन लोगों की छोटी छोटी हरकत ना हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मिश्रा जी। अब इतनी बड़ी बदनामी के बाद भी अगर उस शहर में रहे तो वो आपकी रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, हम और कुछ नहीं चाहते, हम तो बस ये चाहते हैं कि भगवान करे वो मुजफ्फरपुर छोड़ के चले जाए, वो अपनी जिंदगी जिए और हम अपनी जिंदगी जिए, बस। शायद अब ठीक करें रीता जी। दादी, अब सो जाइए आप, सारी रात आपने जाग के गुजारी है। हम कौन से अकेले जाग रहे थे, वैसे भी इस घर में तो नींद आने से रही। दादी, बस कुछ दिनों की बात है, देखना समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। समय कैसा भी हो, बदल ही जाता है, लेकिन लोगों के मन में आए बात वो इतनी आसानी से ना ही बदलती। अब ये सब गरीब नाथ के हाथ में है, हमरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है हमरे गुडुआ को का हो गया है, काहे ऐसी उठपटांग हरकतें कर रहा है। दादी, अब आप ये सब सोच कर ना अपना मन उदास मत कीजिए, चलिए सोने की कोशिश कीजिए आप। हम तो भगवान जी से ये प्रे कर रहे थे कि माँ को वो साहूकार जल्द से जल्द पैसे दे दे, एक बार वर्मा जी के नुकसान की भरपाई हो जाए तो माँ को भी टेंशन नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए, कल का दिन रंजू और उसकी फैमिली पर बहुत भारी पड़ने वाला है। दीदी, ये वर्मा जी ना किसी और के इशारे पर चल रहे हैं। आप सबको याद है ना, हमने उन्हें किसी और से बात करते हुए सुना था, और तब हम सब ने ये फील किया था कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इन सब में गुड्डू मिश्रा और लकी विकी का हाथ है। फोटो वाला रिपोर्टर बहुत ही शर्मिंदा है, अपना गलती मान रहा था वो, और बोल रहा था कि एडिटर द्वारा कल माफीनामा छप जाएगा। हे भगवान, कहीं वो फोटो जर्नलिस्ट ने भुवन को सब कुछ सच तो नहीं बता दिया। पता नहीं यार, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस बात को सच समझे और किस बात को साजिश। दीदी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि लकी विकी हमें परेशान करने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। कितना नफरत करते वो हम सबसे। जितनी नफरत वो हमसे करते ना, उससे दुगनी नफरत हम उन्हें वापस लौटाएंगे। हमें बदनाम करने चले थे, हम उन्हें बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। पर दीदी, हम करेंगे क्या? दीदी, अगर आप लोग बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। बोलो ना। मुझे ना बहुत भूख लग रही है। सॉरी, इन सब टेंशन के बीच में हम तो भूल ही गए थे कि टिया को भूख भी लग सकती है। अच्छा रुको, हम बाहर से आपके लिए दूध और ब्रेड लेकर आते हैं। ऐसे भी दादी को भी उठने के बाद चाय चाहिए होगी। दीदी, हम भी चलते हैं आपके साथ। आप लोग जाइए, तब तक हम सोचते हैं कि वर्मा की साजिश का पर्दाफाश कैसे करना है। हम ललिता मिश्रा के कहने पर सेंटर में आग लगवाए थे। इस काम के लिए हमें पैसा भी मिला था। ललिता कौन है? गुड्डू मिश्रा की दूसरी बीवी।
दोस्त। भैया जी, मामला सुलट गया है। फोटो वाला रिपोर्टर बहुत ही शर्मिंदा है। अपना गलती मान रहा था वो, और बोल रहा था कि एडिटर द्वारा कल माफीनामा छप जाएगा। भैया जी, एक बात और। अब और क्या बचा है कहने के लिए? भैया देखिए भुवन, हमें जितनी जानकारी चाहिए थी आपने दे दी, बस। अमिश्रा जी, आपको ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही है? आज आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी तो थी। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अरे भाई, वो हमारी एक वो कोटेशन फाइल नहीं मिल रही हमें। चिंता मत कीजिए, वो स्टडी रूम में। आपके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता। चलते। हे भगवान, कहीं वो फोटो जर्नलिस्ट ने भुवन को सब कुछ सच तो नहीं बता दिया? बुआ जी, अब क्या किए हैं वो वर्मा जी बताएंगे। हम ललिता मिश्रा के कहने पर सेंटर में आग लगवाए थे। इस काम के लिए हमें पैसा भी मिला था। ललिता कौन है? गुड्डू मिश्रा की दूसरी बीवी। बुआ जी, अब क्या किए हैं वो वर्मा जी बताएंगे। हम ललिता मिश्रा के कहने पर सेंटर में आग लगवाए थे। इस काम के लिए हमें पैसा भी मिला था। ललिता कौन है? गुड्डू मिश्रा की दूसरी बीवी।